चारू और अब इसकी हो गई नहाने की तैयारी। तो उसके कपड़े वहाँ निकाल दिए हैं और देखिए आरू का मसाज होने वाला है। आरू का जो मसाज ऑयल है वो है इस वाली कंपनी का, ब्लू नेक्टर का, बहुत ही अच्छा ऑयल है। और इसमें इतने सारे आपको हर्ब्स मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑयल है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, परफेक्ट होता है। तो ये ऑयल आजकल आरू इस यूज़ कर रहा है। हाय आरू, हाय, ब्लैंकेट दे दो। आरू कहाँ जा रहा नहाने, फ्लैंक कर दो। तो अब कर लेती हूँ मैं फटाफट से आरू की मालिश। वेलकम बैक टू माई चैनल सुपर ज्ञानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज है ओई अष्टमी, तो आप सभी को ओई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। सारी जो भी लेडी ये व्रत रखती हैं और जो नहीं भी रखती हैं, उन सभी का जो बच्चों के लिए प्यार है, आशीर्वाद है, वो हमेशा बना रहे और हमेशा आप सब खुश रहें और माता रानी सबकी और सारी इच्छाएं पूरी करें, मेरी भी करें। तो आज वो अष्टमी हमारे घर में मेरी जो सासू मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ है, वो रखती हैं वो अष्टमी का फास्ट, बट मैंने नहीं रखा शुरू से, तो मैं अभी नहीं रखती हूँ। और बस जो मॉर्निंग का जो सारा काम था वो सब हो चुका है, मम्मी ने पूजा वगैरह सब कर ली है और मैंने नाश्ता पानी सब निपटा दिया है, झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है। और आरू गया है मम्मी के साथ बाहर, वो सो नहीं रहा था तो मम्मी उसको थोड़ा घुमाने लेके गए हैं। और आरव यहीं पे है मेरे पीछे, वो कर रहा है स्टडी। हेलो आरव। सो यहाँ पे अब हल्की हल्की ठंड होने लगी है, हल्की तो क्या ठंड होने लगी है, तो बच्चे सब स्वेट शर्ट पहन रहे हैं। आरू को भी मैंने पहनाए हैं और चद्दर चुदर गर्म बिछाने लगी हूँ मैं, बस यही सब हो रहा है। और आज क्या, आज अच्छा बताया आरव, बताएगा आज क्या आरव? हाँ तो आरव मैं मतलब मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, पर मैं बच्चों के लिए खूब सारी चीज लेके आती हूँ, जैसे जो जो उसको पसंद है आरव को। वैसे आरव को मैंने अभी बाहर की चीजें ज्यादा दे नहीं रहे हैं हम, बट मैं सोच रही हूँ कि फ्रूट्स और चॉकलेट ऐसी ऐसी चीजें मैं कुछ मंगा दूंगी आरव के लिए उसके डैडी से। अगर मैं जा पाई यहाँ पे शॉप में तो मैं जाऊंगी। और देखो कितना खुश है आरव, बहुत ज्यादा खुश है। सुबह से बोल रहा है मम्मा, मतलब दो चार दिन से बोल रहा है जब से करवा चौथ हमारा हुआ है उसके बाद से, कि मम्मा अब चिज्जी वाला फास्ट कब आएगा, चिज्जी वाला फास्ट कब आएगा। तो इसको चिज्जी की है, मतलब कुछ चीज खाने के लिए, बच्चों को वही है ना। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग के साथ, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय। नहीं ऐसे कौन खाना खाता है, ऐसे कौन खाना खाता है ऐसे करके, और देखो खुद खाना खाने वाला मन रहा। कौन खाना खाता है ऐसे चम्मच से भी, दोनों हाथों से भी? कौन खाता है ऐसे खाना? आरू, आरू खाता है। बच्चों को सुलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो गया, 3 बज चुके हैं और मैंने अब मम्मी के जो प्रसाद है उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि मम्मी जो व्रत खोलते हैं वो तारों को देख के खोलते हैं और तारे 6 बजे तक आ जाते हैं। सो मैंने फटाफट से अब मैंने खाना खुना बनाना है और मैंने यहाँ पर छोले बॉयल कर लिए थे, उसमें आलू डाल दिए चटनी के लिए और थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, वो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या कर लिया मैंने। ये छोले को उबाल दिया है अच्छे से और यहाँ आलू को भी उबाल दिया था छोले के साथ ही, और ये तिल पीस के रख दिया है। और जो ये बैटर है, ये गुलगुले बनेंगे इससे, तो इसका बैटर भी मैंने रेडी कर दिया है। अब निकाल दिए प्याज और लहसुन, तो इसको अब फटाफट कट कर लूँगी।
पे बज गए हैं 4 और पूजा हो गई है स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, जो गन्ने के पौधे होते हैं वो लगाते हैं, गन्ने की जो डंडी होते हैं वो। मम्मी अच्छे से तैयार हो गए हैं और मूलियाँ हरी पत्ती जो होती है वो लगाते हैं। तो ये मम्मी की पूरी तैयारी, और अब मम्मी पढ़ने जा रहे हैं कथा। तो यहाँ बैठ के आराम, हेलो आराम, नींद से उठ के है ना, और मम्मी करेंगे अब कथा स्टार्ट। और कथा में ये देखो कि ये मंदिर में केले, ये जो गन्ने के पूरा ये लंबा डंडा होता है ना, ये रखा है, मूली और सिंघाड़ा सारा कुछ है। ये देखिए हमारे चीची, हाँ, और ये आरा की चीची भी है। पार्वती पिता महादेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चा। हेलो एवरीवन, तो टाइम हो गया है 5:10 हो गए हैं और मेरा मोस्टली खाना हो गया तैयार, सिर्फ रह गई है पूरियाँ और पोहे रह गए हैं, यानी कि गुलगुले, मीठे गुलगुले जो होते हैं वो चढ़ते हैं तो वो रह गए हैं। बस अब मैं वही बनाने की तैयारी कर रही थी, कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। और हाँ, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि आज आए हैं, मैं दिखाती हूँ मैं कौन आए हैं आज, है ना, अभी बताना नहीं। तो आज माता रानी ने मुझे सरप्राइज दिया और आज आए हैं, तो मैं दिखाती हूँ कौन कौन आए हैं। नानी और पहले इसने सरप्राइज का वो कर दिया, तो आज आई है मेरी मम्मी और मेरे भैया। मम्मी अपनी जो मेरी बड़ी मम्मी है ना, उनको छोड़ने आए, यानी कि अपनी दीदी को हम लेके गए थे अपने हमारे देहरादून, तो वहाँ पे, और फिर उनको छोड़ने आए हैं, क्योंकि जो मेरी बड़ी मासी है वो यहीं पे रहते हैं। तो आर अब तैयार हो रहा है बाहर, छत में बहुत ठंड सी हो रही है तो कपड़े पहन रहा है। अलमारी तो बंद कर दो, ये क्या है, अलमारी खुली छोड़ दी। तो देखो अलमारी के कपड़े मेरे कैसे पड़े हुए हैं। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ मम्मी का क्या है और मैंने क्या क्या बना दिया है, सब कुछ दिखाती हूँ। चलिए तो दिखाती हूँ मैं कहाँ है मम्मी और हेलो मम्मी। तो यहाँ मम्मी और वहाँ मम्मी दोनों कर रहे हैं कपड़े फोल्ड। लो भाई, हाँ भाई, दिखाई मम्मी तो मम्मी और कर रहे हैं कपड़े फोल्ड, और आरू भी उठ गया है तो डैडी के साथ है आरू। तो फटाफट से मेरा जो काम है वो खत्म हो गया, अब मैं बना रही हूँ गुलगुले, तो बस उसकी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी और अब बस उसको बनाना बाकी है। उसके बाद मैं जो प्रसाद में चढ़ता है ना, उस टाइम उसके लिए 8 पूरियाँ निकाल दूंगी, और जो हम लोग के खाने के लिए वो खाने के टाइम पे ही करूँगी। तो बना लेते हैं गुलगुले। तो ये कर लिया है बैटर तैयार। तो ये आटा, और इसमें डाल दिया मैंने सौंफ और चीनी, और पानी डाल के बनाया है बैटर, और यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हो रहा है गरम। तो ये बन गए हैं गुलगुले। ये है मटर पनीर की सब्जी, ये है छोले, ये है हलवा का भोग, ये है तिल की चटनी, ये है जीरा राइस, एकदम अच्छे से कुक हो गया। देखो तारा आने वाला है, मम्मी पूजा कर रहे हैं और अभी तो दिख नहीं रहा है एक भी तारा, बट थोड़ी देर में आ जाएगा तारा। तो मम्मी पूजा करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ देखो मेरे भैया आरू के साथ घूमी घूमी कर रहे हैं, हेलो दादी। तो वहाँ भैया भी आके आरू के साथ घूमी घूमी कर रहे हैं, और मौसम देख लो कितना ठंडा सा हो रहा है हमारे इधर का। तो ये हमारे इधर का मौसम। फूल तारी तैयार, हलवा, पूरी, चटनी, राइस, पनीर, छोले और दूध। तो देखिए वहाँ आ गया है पहला तारा। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग सब छत में, और मम्मी कर रहे हैं अब अपने व्रत का उद्यापन, और इसको तारे को देख के ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो यहाँ पे पानी चढ़ा रहे हैं मम्मी, धूप दिया प्रसाद सब कुछ चढ़ा रहे हैं। तो तारा भी बहुत अच्छे से आ गया, इस टाइम पे सिर्फ 2 ही तारे आए हुए थे, और हम लोग भी, और ये आरव कुछ कुछ दिखा रहा है बीच बीच में, और मेरे हस्बैंड बाहर थे तो मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पे, तब मैं आरव ने ही अपनी जो बजी हैं उनका फास्ट खुलवाया, आरव ने पानी पिलाया और आरू ने
भोग खिलाया मम्मी को, तो यहाँ देखिए मस्ती कर रहे हैं, मम्मी भी हैं, हम सबको टीका लगा रहे हैं मम्मी, और आप सभी भी, आप सभी ने भी जिसने भी व्रत रखा हो ना रखा हो उन सभी को अहोई माता सब कुछ धन धान्य है, और जो भी मन्नत आपने मांगी हो वो पूरा करे। और अब इसी के साथ मैं भी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तो चलिए फिर कर देती हूँ बाय बाय, मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।